वेलकम व्यूवर्स टू यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। सबसे पहले आप लोगों ने समझना होगा कि काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिसके साथ हम एक लगा सके, दो लगा सके, तीन लगा सके, चार लगा सके, जितने भी डिजिट्स हैं वो लगा सके। काउंटेबल नाउन्स वो है जिसको हम अलग आइटम कंसिडर कर सके। अगर मैं कप की बात करूँ, कप एक अलग आप कंसीडर कर सकते हो, दो कप, तीन कप, चार कप और एक कप भी आप कंसीडर कर सकते हो। इसी तरह अगर मैं कार की बात करूँ, एक कार, दो कार, तीन कार, जितने भी चीज़ें आप लोगों के आसपास है उनको आप काउंट कर सकते हो, वो सारे काउंटेबल नाउन्स हैं। काउंटेबल नाउन्स आर नाउन्स दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ इंडिविजुअल सेपरेबल एटम्स विच मीन्स दैट वी आर एबल टू काउंट देम विद नंबर्स। उसको हम नंबर के साथ काउंट कर सकते हैं, लाइक 1, 2, 5, 15, 100 एंड सो ऑन। यूज़ देम विद द इंडिफिनिट आर्टिकल्स। ये बात ज़रूरी है कि इसके साथ हम इंडिफिनिट आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं। आ एंड एन हम यूज़ कर सकते हैं नाउन के साथ, लेकिन कौन से नाउन के साथ हम यूज़ कर सकते हैं? हम काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, ना कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ। और हम काउंटेबल नाउन का प्लूरल बना सकते हैं। अब काउंटेबल नाउन के मैंने दो पहचान आप लोगों को बता दिए कि हम काउंटेबल नाउन के साथ आ लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं, और काउंटेबल नाउन का हम प्लूरल बना सकते हैं। ऑन द अदर हैंड जो अनकाउंटेबल नाउन है उसके साथ तो ना हम इंडिपेंडेंट आर्टिकल लगा सकते हैं, ना उसका प्लूरल बना सकते हैं हम, और ना हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, ना उसको इंडिविजुअल यूनिट कंसिडर कर सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स कंट्रास्ट विद अनकाउंटेबल नाउन्स विच कैन नॉट बी सेपरेटेड एंड काउंटेड इज इंडिविजुअल यूनिट्स और एलिमेंट्स। अनकाउंटेबल नाउन्स कैन नॉट टेक इन इंडिफेंडेंट आर्टिकल्स, ना दे कैन बी मेड प्लूरल, ना इसका हम प्लूरल बना सकते हैं। कंक्रीट वॉज एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन्स। अब हम पढ़ने वाले हैं कि काउंटेबल नाउन्स अगर एब्स्ट्रैक्ट हो तो कैसे होते हैं और अगर कंक्रीट हो तो कैसे होते हैं। कंक्रीट काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन कौन से होते हैं? यहाँ से मैं पढ़ने लगा हूँ, बोथ कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी काउंटेबल। कंक्रीट एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों काउंटेबल हो सकते हैं। कंक्रीट नाउन नेम पीपल प्लेस आर थिंग्स दैट आर टेंजेबल। कंक्रीट वो नाउन होते हैं जो टेंजेबल होते हैं, दे कैन बी सीन आर टच्ड, इसको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जो है इनटेंजेबल होते हैं और सच इज आइडिया, कॉन्सेप्ट, फीलिंग और एट्रीब्यूट्स। कंक्रीट काउंटेबल नाउन्स कौन कौन से हैं? कंक्रीट नाउन्स आर अ बिट ईजियर टू अंडरस्टैंड। अब देखो कंक्रीट नाउन्स सच्ची में आसान है, उसको काउंट करना आसान है। कंक्रीट नाउन अगर कोई कहे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, उसको मैं टच नहीं कर सकता, देख नहीं कर सकता, उसको मैं काउंट कर रहा हूँ, तो वो ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल लगेगा। अब उसकी बनिस्बत कंक्रीट नाउन थोड़ा ईजी है, उसको अलग करना, उसको गिनना। बींग काउंटेबल आफ्टर ऑल दे आर थिंग्स दैट वी कैन सी एंड फील एंड सो वी कैन यूजुअली काउंट देम। इसको हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और इसको हम काउंट सकते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग कप। अब कप एक काउंटेबल नाउन है। कौन सा काउंटेबल नाउन है? कंक्रीट काउंटेबल नाउन है। एम्बुलेंस कंक्रीट काउंटेबल नाउन है। फोन कंक्रीट काउंटेबल नाउन है। पर्सन कंक्रीट काउंटेबल नाउन है। इसी तरह ईल कंक्रीट काउंटेबल नाउन है। ये ईल मैं बताता चलूँ, ईल किसको कहते हैं? ईल एक किस्म का मछली है। डॉक्टर एक काउंटेबल इन कंक्रीट नाउन है। ईच ऑफ दीज कैन बी कंसिडर्ड इज इन इंडिविजुअल एटम्स आर यूनिट विच मीन्स दैट वी आर एबल टू काउंट देम। यानी हम एबल है कि इसको काउंट कर सकें क्योंकि इसका इंडिविजुअल एटम है। सिंगुलर और प्लूरल, अगर हम सिंगुलर की बात करें और प्लूरल की बात करें कि कैसे हम एक कंक्रीट काउंटेबल नाउन को प्लूरल बना सकते हैं। अ कप को हम कप्स बना सकते हैं, टू कप्स बना सकते हैं, थ्री कप्स बना सकते हैं। इन एम्बुलेंस को हम सिवरल एम्बुलेंसेज बना सकते हैं, 10 एम्बुलेंसेज कह सकते हैं। अ फोन हम 10 फोन्स कह सकते हैं। अ पर्सन हम मेनी पर्सन कह सकते हैं। अ ईल हम 3 ईल्स कह सकते हैं। अ कंप्यूटर अ फ्यू कंप्यूटर्स। यानी हम प्लूरल बना सकते हैं कंक्रीट काउंटेबल नाउन्स के। एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन्स कौन से होते हैं? है तो काउंटेबल नाउन्स लेकिन एब्स्ट्रैक्ट है। वो होते कौन से? इवन दो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर नॉट टेंजेबल। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये टेंजेबल नहीं है, लेकिन मेनी ऑफ देम कैन स्टिल बी काउंटेड एज सेपरेबल यूनिट्स लाइक कंक्रीट नाउन्स। तो आप ये भी कह सकते हो कि एक सिमिलरिटी है एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स और कंक्रीट नाउन के बारे में कि एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट दोनों को हम काउंट कर सकते हैं। एन लगा सकते हैं, कैन बी मेड प्लूरल, इसका भी हम प्लूरल बना सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं जो काउंटेबल हैं। कौन कौन से हैं? कन्वर्सेशन, इमरजेंसी, रीडिंग, एस्पायरेशन, एमोशन, बिलीफ। ये सारे वो
एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट काउंटेबल नाउन्स है। इसको हम किस तरह काउंट कर सकते हैं? अगर मैं कहूँ अ कन्वर्सेशन, तो टू कन्वर्सेशन, एन इमरजेंसी, सिविल इमरजेंसीज, अ रीडिंग, टेन रीडिंग्स, एन एस्पिरेशन, मैनी एस्पिरेशन, एन इमोशन, हंड्रेड्स ऑफ इमोशंस, अ बिलीफ, सर्टेन बिलीफ्स। एक स्टूडेंट ने पूछा था, सर बिलीव्स को हम बिलीव कहते हैं, आप बिलीव्स को ऐसे लगा कैसे प्लूरल बना सकते हो? तो मैंने कहा कि बिलीव्स एक नाउन है, बिलीव नाउन है, उसके साथ एस लगा सकते हैं। बिलीव जो है वो एक वर्ब है, उसको हम जब सिंगुलर लिखते हैं यानी ही और शी के साथ लिखते हैं तो तब एस का इजाफा करते हैं सिंपल टेंस में। ओके, ग्रामर विद काउंटेबल नाउन्स, यानी काउंटेबल नाउन्स को हम देखते हैं कि ग्रामर में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। मतलब मेरा ये है कि उसको उसके साथ हम इज़ लगाते हैं, आर लगाते हैं, एस लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं। यानी अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन हो तो हम उसको कैसे, उसके साथ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसका कैसे होता है। अगर सिंगुलर हो, व्हेन अ नाउन इज सिंगुलर एंड नेम्स अ पर्सन, अ समथिंग, अ पेट हुज जेंडर इज नाउन, देन वी यूज़ द थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, हिम और हिज। अगर एक नाउन है वो सिंगुलर है, या कोई पर्सन है, या कोई घर में पालने वाले जानवर है, उसके साथ हम क्या लगाते हैं? उसके साथ हम या ही लगाते हैं, हिम लगाते हैं, हिज लगाते हैं। अगर ये मेल हुए, अगर ये मेल जेंडर के हुए, अगर फीमेल जेंडर के हुए, तब हम शी, अर और हर्ज लगाते हैं। मैं अगर दोबारा बताता चलूँ कि अगर कोई नाउन है और वो मेल जेंडर का है, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो हम उसके साथ क्या लगाएंगे? तो हम उसके साथ ही लगाएंगे, हिम लगाएंगे, हिज लगाएंगे। अगर फीमेल है तो हम इसके साथ हर्ज लगाएंगे, हर लगाएंगे और शी लगाएंगे। आगे डिटेल से पढ़ेंगे, एग्जाम्पल की मदद से जानते हैं। द मैन लेफ्ट अर्ली, सो आई डिड नॉट गेट अ चांस टू टॉक टू हिम। अब हमने मैन की जगह पे हिम लगा दिया, तो हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। किसका ग्रामर पढ़ रहे हैं? काउंटेबल नाउन का ग्रामर पढ़ रहे हैं। मैंने काउंटेबल नाउन है, उसके साथ हम कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं? हिम यूज़ करते हैं। हिम एक प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है हम इसको प्रोनाउन के सेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने सिर्फ इतना समझना है कि मैन एक काउंटेबल नाउन है, उसका प्रोनाउन है हिम। जब हम मैन यूज़ करते हैं सेंटेंस में, उसके साथ हम जो प्रोनाउन लगाएंगे वो हिम लगाएंगे। क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम जो प्रोनाउन लगाएंगे मेल के साथ, वो तो ही होगा, हिम होगा या हिज होगा। मैन इज़ अ सिंगुलर, सो इट टेक्स द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हिम। अब दूसरे सेंटेंस में, द प्रेजिडेंट हैज़ मैनी थिंग्स दैट शी। अब यहाँ पे शी प्रेजिडेंट के लिए है, प्रेजिडेंट एक काउंटेबल नाउन है, उसके लिए प्रोनाउन शी लगाया है हमने। अब शी ये भी बताता है कि ये प्रेजिडेंट कौन है, मेल है या फीमेल है। हमें पता चल गया कि प्रेजिडेंट क्या है, फीमेल है, क्योंकि शी हमें बताता है कि ये फीमेल है। प्रेजिडेंट इज सिंगुलर, सो इट टेक्स द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन शी। लेकिन हम सिंगुलर के साथ एक और भी बात ऐड कर सकते हैं कि एक फीमेल है, ये मेल नहीं है। वी थॉट अवर डॉग टू नो विच बेड इज हिज। हम अपने डॉग के सिखा सकते हैं कि कौन सा बेड उसका है। अब डॉग के साथ हमने इज लगाए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि डॉग के साथ हम इज नहीं लगा सकते, वो एक एनिमल है, एनिमल के साथ हम कैसे हिज पर्सनल प्रोनाउन लगा दें? तो मैंने पहले बताया था कि पेट के साथ हम हिज, ही और हिम लगा सकते हैं। जो घर में जानवर हम रखते हैं, चाहे कैट हो चाहे बिल्ली हो, उसके साथ हम हिज, हिम और ही लगा सकते हैं। डॉग इज सिंगुलर, सो इट टेक्स द थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हिज। इफ द नाउन नेम एज सिंगुलर प्लेस थिंग आर नॉन डोमेस्टिक एनिमल्स, देन वी मस्ट यूज द थर्ड पर्सन न्यूट्रल प्रोनाउन इट। अगर कोई नाउन, प्लेस और थिंग या नॉन डोमेस्टिक एनिमल है, देन उसके साथ हम थर्ड पर्सन न्यूट्रल प्रोनाउन लगाते हैं, जो कि एक इट है। अब इट क्या है? इट थर्ड पर्सन न्यूट्रल प्रोनाउन है। इट क्या है? इट थर्ड पर्सन न्यूट्रल। दिस कंप्यूटर बिकॉज इट इज सो स्लो। अब यहाँ पे कंप्यूटर सिंगुलर है, इसके साथ प्रोनाउन इट यूज हुआ है। द कौ लॉड सॉफ्टली एज इट इट, यहाँ पे कौ एक नाउन है और इट प्रोनाउन है, उसके लिए यूज हुआ है। कौ एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सम पीपल डिसलाइक दिस टाउन बट आई हैव ऑलवेज लव्ड इट। यहाँ पे टाउन क्या है? वो एक सिंगुलर कंक्रीट काउंटेबल नाउन है। प्लूरल, प्लूरल पढ़ते हैं कि प्लूरल नाउन कौन से हैं, यानी प्लूरल के साथ हम किस तरह प्रोनाउन को यूज़ करेंगे। व्हेन अ नाउन इज प्लूरल, वी यूज़ द सेम थर्ड पर्सन प्रोनाउन्स फॉर पीपल, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग्स, दे, देम एंड देयर्स। फॉर एग्जांपल, द परेड प्लॉट्स आर स्पेक्टेक्युलर, आई लव वॉचिंग देम गो डाउन द स्ट्रीट।
यहाँ पे प्लॉट्स, प्लॉट को हम समझते हैं कि तैरना, उसको हम वर्ब समझते हैं, लेकिन प्लॉट, ये वर्ड प्लॉट, प्लॉट को हम वर्ब समझते हैं कि प्लॉट वर्ब है तैरना, किसी चीज़ की सतह पर तैरना, अमूमन पानी की सतह पे जो चीज़ तैर रही होती है हम उसको प्लॉटिंग कहते हैं, कि द लीफ इज़ प्लॉटिंग ओवर द सरफेस ऑफ सी, हम इस तरह कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्लॉट एज अ नाउन यूज़ हुआ है, इसके साथ एस लगा के उसका प्लूरल हमने बनाया हुआ है। तो इस प्लूरल नाउन के साथ हमने प्रोनाउन आर लगाया हुआ है, ना कि इज। हमने कंप्यूटर के साथ क्या लगाया था, इट लगाया था, सिंगुलर प्रोनाउन लगाया था, यहाँ पे हम प्लूरल प्रोनाउन लगा रहे हैं। प्लॉट्स एक नाउन है और वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम उसके साथ आर लगा रहे हैं और उसका अल्टरनेटिव डेम लगा रहे हैं, ना कि ही और हिम लगा रहे हैं, डेम लगा रहे हैं। डेम भी प्लूरल प्रोनाउन दे का ही अल्टरनेटिव है। ओके, अब एक अहम कॉन्सेप्ट है दे के रिलेटेड, कि दे को हम किस तरह सिंगुलर यूज करते हैं, है ना एक अजीब बात कि दे को हम किस तरह सिंगुलर यूज करते हैं। इंग्लिश डज नॉट हैव अ वे ऑफ आइडेंटिफाइंग अ सिंगल पर्सन विद अ प्रोनाउन इफ हिज और हर जेंडर इज नॉट नाउन। अगर हमें कोई ऐसा नाउन दिखे जिसका जेंडर मालूम ना हो, सो समटाइम्स द थर्ड पर्सन प्लूरल फॉर्म्स दे देम आर यूज्ड एज अ जेंडर न्यूट्रल अल्टरनेटिव टू द थर्ड पर्सन फेमिनिन मस्कुलिन फॉर्म्स, दिस इज समटाइम्स कॉल्ड सिंगुलर दे। अगर कोई नाउन हो जिसका जेंडर मालूम ना हो, या कोई प्रोनाउन हो उसका जेंडर मालूम ना हो, तब उसके लिए जो अल्टरनेटिव यूज़ होता है वो दे होता है, चाहे वो प्रोनाउन सिंगुलर ही क्यों ना हो। अगर हम समवन की बात करें, एनीबॉडी की बात करें, एनीवन की बात करें, ये सारे सिंगुलर नाउन्स हैं। अब अगर मैं कहूँ कि समवन इज नोकिंग द डोर, समवन क्या है, एक प्रोनाउन है। अब मुझे नहीं पता कि ये समवन कौन है, ये फीमेल है मेल है। अब यहाँ पे मैं कहूँगा कि समवन इज नोकिंग द डोर, अब शी ही तो नहीं कह सकता, अल्टरनेटिव मैं दे ही इस्तेमाल करूँगा कि दे आर वेटिंग आउटसाइड। दे क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये समवन मेल है या फीमेल है। इस तरह का यूज़ दे का जब हम करते हैं उसको हम सिंगुलर दे कहेंगे, कि दे का यूज़ सिंगुलर की जगह पे, लाइक समवन के लिए, एनीबॉडी के लिए, अगर हमें पता ना हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट जज समवन, मैंने भी समवन का एग्जाम्पल दिया था कि समवन इज नोकिंग द डोर। यू शुड नॉट जज समवन अनटिल यू नो वट दे आर रियली लाइक। अब समवन एक नाउन है, दे इसका अल्टरनेटिव है, समवन के लिए हम अल्टरनेटिव न तो ही लगा सकते हैं ना शी लगा सकते हैं। दोबारा मैं बताऊंगा कि अब वो कह रहा है कि समवन, अब समवन के बाद आप अल्टरनेटिव अगर ही लगाओगे, कंसिडर करो आप यहाँ पे ही लगाओगे, तो अगर ये समवन कोई फीमेल होगी तो अगर आप शी लगाओगे, तो अगर ये एक मेल हुआ तब इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हम सिंगुलर दे को यूज करते हैं समवन के साथ। इफ समवन नीड्स एक्स्ट्रा हेल्प विद देयर स्टडीज दे शुड फील फ्री टू सी मी आफ्टर क्लास। अब यहाँ पे एनीवन एक सिंगुलर प्रोनाउन है, हमें पता है कि एक सिंगुलर है, जिस भी प्रोनाउन के एंड में वन आ जाए वो सिंगुलर ही है, उसके लिए हमने दियर लगाया है। दियर को तो हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, तो वही केस है ना कि हमें नहीं पता कि ये समवन मेल है या फीमेल है, इसलिए हम उसके साथ सिंगुलर दे का यूज़ करते हैं। सिंगुलर दे का मतलब है यहाँ पे हमें नहीं पता कि एनीवन कौन है, तब हम इसके लिए दियर, जो कि दे का अल्टरनेटिव है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की हम बात कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मतलब हम जो भी सब्जेक्ट लगाते हैं उसके साथ हम वही वर्ब लगाएंगे, यानी सब्जेक्ट मेरा ही है, मैंने इज लगाना होगा, ना कि मैं आर लगाऊंगा। इस एग्रीमेंट को हम कहते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट मस्ट एग्री विद वर्ब, जो भी वर्ब है उसी तरह सब्जेक्ट, यानी जो भी सब्जेक्ट है उसी तरह वर्ब। बिकॉज काउंटेबल नाउन्स कैन बी अदर सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि काउंटेबल नाउन में हमारे साथ सिंगुलर और प्लूरल आते हैं, प्लूरल के लिए अपने सब्जेक्ट्स हैं और सिंगुलर के लिए अपने सब्जेक्ट्स हैं, जो प्लूरल के सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम उसी तरह के वर्ब लगाएंगे, ही के साथ इज लगाएंगे, आर नहीं लगाएंगे, और दी के साथ फिर आर लगाएंगे, इज नहीं लगाएंगे। इफ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज द करेक्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट व्हेन दे आर फंक्शनिंग एज सब्जेक्ट द सब्जेक्ट अपर क्लॉज। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रिफर्स टू यूजिंग सर्टेन कंजुगेशंस ऑफ वर्ब्स फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स एंड यूजिंग अदर कंजुगेशंस फॉर प्लूरल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे वही वही बात बता रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने
कंजुगेशंस को सही तरह इस्तेमाल करना है। इसका मतलब है कि हम प्लूरल के लिए उसी की कंजुगेशन यूज़ करनी चाहिए और सिंगुलर के लिए भी सिंगुलर कंजुगेशन यूज़ करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि अगर आप शी लगा रहे हो तो शी के साथ इज लगाना होगा, अगर आप दे लगा रहे हो अपने दे के साथ आर लगाना होगा, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, और अगर प्लूरल लगा रहे हो प्लूरल के साथ प्लूरल। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप जो कंजुगेशन करोगे वो प्लूरल करोगे, और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आप सिंगुलर ही वर्ब लगाओगे। लाइक मैंने एग्जांपल दिया, ही के साथ हम इज लगाएंगे ना कि आर। दिस हैपेंस मोस्ट नोटिसेबली विद द वर्ब टू बी व्हिच बिकम्स इज आर वाज। देखो ये अक्सर किसके साथ होता है, इज और आर के साथ। मैं भी वही एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमने इज किधर लगाना है और वाज किधर लगाना है और आर किधर लगाना है और वर्ब किधर लगाना है। वर्ब भी हम प्लूरल थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ लगा सकते हैं, लाइक दे, दे वर। दे के साथ हम वाज नहीं लगा सकते, और अगर ही है या शी है फिर उसके साथ हम वाज लगाते हैं। पास्ट टेंस की बात हो रही है तब हम वाज लगाते हैं, अगर प्रेजेंट की बात हो जाए तब ही के साथ हम इज लगाएंगे और दे के साथ हम वर नहीं आर लगाएंगे। ये फिर प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर इज बैक फ्रॉम कॉलेज। यहाँ पे ब्रदर एक सिंगुलर नाउन है इसीलिए हमने इज लगाया है। ओके, सिंगुलर प्रेजेंट सिंपल टेंस। द कंपनी वाज इन फाइनेंशियल ट्रबल। अब कंपनी वाज, क्योंकि पास्ट टेंस से कंपनी एक सिंगुलर नाउन है इसीलिए हमने वाज लगाए हैं। अगर ये एक प्लूरल नाउन होता तो हम वर लगाते ना कि वाज। सिंगुलर पास्ट सिंपल टेंस है ये। मैनी पीपल आर गेटिंग। अब पीपल, मैंने बताया था कि पीपल क्या है, ये एक प्लूरल है किसका, पर्सन। पर्सन को अगर हम प्लूरल बनाते तो पीपल लिखते हैं, तो इसलिए हमने आर लगाया है क्योंकि एक प्लूरल नाउन है, ये सिंगुलर नाउन नहीं है। मैनी पीपल आर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद द गवर्नमेंट। ओके, यहाँ पे आप लोग ये ना समझो कि पीपल जो है वो एक सिंगुलर नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। पीपल के सामने आप कभी भी इज नहीं लगा सकते, आर लगाओगे, कभी भी वाज नहीं लगा सकते, वर लगाओगे अगर पास्ट टेंस हुआ तो। द कंप्यूटर्स वर रेदर ओल्ड। यहाँ पे देखो कंप्यूटर्स जमा है इसीलिए हमने वर लगाया है। अगर ये कंप्यूटर्स ना होता, कंप्यूटर होता तो तब हम वर ना लगाते, वाज लगाते। प्लूरल पास्ट सिंपल टेंस। फॉर एनी अदर वर्ब We only need to make a change if it is in the present simple tense. अब हम other words के साथ verbs के साथ change करते हैं, कहाँ करते हैं, अगर tense present simple tense हो तब हम verbs के साथ कुछ change करते हैं, like s और es का इजाफा करना। जिस तरह हम कहते हैं she cooks food और they cook food, she cooks food वो इजाफा हम सिर्फ singular के साथ करते हैं, या he cooks food, शी कुक्स फूड, इस तरह का इजाफा हम प्लूरल के साथ नहीं करते। हम प्लूरल को वैसे ही लिखते हैं, एस ई एस का इजाफा प्रेजेंट सिंपल टेंस में नहीं करते, जो इजाफा हम सिंगुलर के साथ करते हैं। माई फादर, फॉर एग्जाम्पल, माई फादर रनज हिज ओन बिजनेस। अब यहाँ पे फादर एक सिंगुलर नाउन है, यहाँ हमने नाउन के साथ वर्ब के साथ इजाफा किया है एस का। अगर तो ये प्लूरल नाउन होता तो हम एस का इजाफा रन के साथ ना करते। फॉर एग्जाम्पल, बट हिज सन्स रन, लेकिन उसके बच्चे, यहाँ पे बच्चा नहीं है, बच्चे हैं, प्लूरल है, हमने प्लूरल की वजह से इससे एस हटा दिया। बट हिज सन्स रन इट व्हेन ही इज अवे, प्लूरल है यहाँ पे। द डॉग वैग्स। अब फिर यहाँ पे वैग्स, वैग नहीं है, एस लगाया है, वर्ब के साथ एस का इजाफा किया है क्योंकि ये नाउन सिंगुलर नाउन है। द डॉग वैग्स हिज टेल व्हेन ही इज हैप्पी। अब डॉग्स यहाँ पे प्लूरल है इसीलिए डॉग्स समटाइम्स वैग, एस का इजाफा खत्म, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में हम तब इजाफा करते हैं वर्ब के साथ एस या एस का अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, प्लूरल हो तो तब हम इजाफा नहीं करते हैं एस या एस का। डिटेल्स व्हेन दे आर एंग्री आर स्केट। यहाँ पे डॉग्स के साथ हमने वेग लगाया है, एस को हटा दिया है हमने क्योंकि ये प्लूरल है। द वर्ब्स हैव एंड डू आल्सो ओनली कंजुगेट फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट्स इन द प्रेजेंट सिंपल टेंस। हैव और डू बी कंजुगेट होते हैं, लेकिन कब होते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होते हैं। बट दे हैव इरेगुलर फॉर्म्स फॉर इट, लेकिन उसके फॉर्म्स इरेगुलर हैं, लाइक हैव का हैज है एंड डू का डज है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में हैव का यूज करते हैं, हैव से पहले हम सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट लगाएंगे या नाउन लगाएंगे, तब हम क्या करेंगे, हैज लगाएंगे ना कि हैव, और अगर प्लूरल हुआ तो हम हैव लगाएंगे। इसी तरह अगर हम सिंपल टेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस में किसी सिंगुलर नाउन को यूज़ करेंगे तो हम डू नहीं लगाएंगे, डज लगाएंगे, और अगर दे का यूज़ करेंगे या प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे तब हम डू लगाएंगे, डज नहीं लगाएंगे। ओके, फॉर एग्जांपल, द एप्पल हैज़ अ मार्क ऑन इट।
अब एप्पल एक सिंगुलर नाउन है, इसीलिए हमने हैव नहीं एज लगाया। अगर यहाँ पे एप्पल्स होते तब हम हैव लगाते हैं। लाइक यहाँ पे देखो, ऑल द एप्पल्स हैव मार्क्स ऑन देम, यहाँ पे हमने हैव लगाया है। द टीचर डज नॉट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, टीचर एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने डज लगाया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था सिंगुलर नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ, अब हम पढ़ रहे हैं प्लूरल नाउन के साथ कि अगर प्लूरल नाउन्स हुए तो तब हम किस तरह वर्ब लगाएंगे। टीचर एक सिंगुलर नाउन है इसलिए हम डज लगाते हैं। अगर ये टीचर जमा होता तब हम डज नहीं डू लगाते हैं। हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहे हैं। ओके, फाइनली द मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स विल वुड शैल शुड कैन कुड माइट एंड मस्ट डू नॉट कंजुगेट फॉर सिंगुलर वर्सेस प्लूरल सब्जेक्ट्स। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स चेंज नहीं होते, चाहे सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो या सिंगुलर हो, दे ऑलवेज रिमेन द सेम, वो सेम ही रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस फोन कैन ऑल्सो सर्व द इंटरनेट। अब यहाँ पे फोन क्या है? सिंगुलर है। अगर हम फोन्स की बात करें तब भी हम कैन ही लगाएंगे, कैन चेंज नहीं हो सकता। द प्रेजिडेंट विल अराइव इन माल्टा नेक्स्ट वीक। अब यहाँ पे प्रेजिडेंट एक सिंगुलर नाउन है तब भी विल है, और अगर ये प्लूरल नाउन हो गया, डिप्लोमेट्स ये प्लूरल है, तब भी विल ही लगाएंगे।